नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम शाहवाद की विशेषताएं संक्षेप में पढ़ने वाले साथियों, लेकिन उससे पहले हम शाहवाद की बृहत्तरी, लघुत्तरी और कवि चतुष्टय भी पढ़ लेते हैं। तो साथियों, कवि चतुष्टय में यानी चार कवि जो होते हैं शाहवाद के, जो चार स्तंभ हैं, उनकी क्या फिलोसफी रही है काव्यों को रचने के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं साथियों। या देखिए मुख्य तौर से, तो जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में शैव दर्शन और आनंदवाद को रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सुमित्रानंद पंत, इन्होंने अरविंद दर्शन को रखा है अपने बहुत सारे काव्य में। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो अद्वैत सिद्धांत से प्रभावित थे, तो अद्वैतवाद इनके काव्य में देखने को मिलता है। आगे महादेवी वर्मा जी, इनका बोध दर्शन जो है काव्य में देखने को मिलता है। और दुखवाद, या जिसे परोक्षवाद भी कहते हैं, ठीक है, वो भी इनके काव्य में भी है। आगे साथी बृहत्तरी, ठीक है, शाहवाद की बृहत्तरी में तीन ही मुख्य कवि आते हैं साथी, त्री मतलब तीन बृहत्तरी, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, तो वो तीन हैं साथियों, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगर लघुत्तरी, अगर लघु तीन कवियों को माना जाए, तो उसमें आ जाते महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है साथियों। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे विशेषताएँ, ये ऊपर साथियों कवि चतुष्टय, बृहत्तरी और लघुत्तरी आप याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। तो विशेषताएँ साथियों पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता जो हमारे समक्ष आई है वो है स्वतंत्र अचेतना, ठीक है। तो स्वतंत्र चेतना कविताओं में ज़रूर देखने को मिलता है, वो आपने जयशंकर प्रसाद की जो कविता थी बीती विभावरी जागरी, उसमें भी, ठीक है, जो चेतना है वो स्वतंत्र चेतना है। ओके, स्वतंत्र चेतना मतलब स्वतंत्र होने का आभास दिलाना कि हाँ, हमारे अंदर जो भावना है वो पैदा हो चुकी है, उत्पन्न हो चुकी है, उसका उत्थान हो चुका है। तो पढ़ते हैं साथ ही स्वतंत्र चेतना में क्या है। शाहवादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्र की स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। ओके, किससे है? रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। ओके, उस वक्त देश भी गुलाम था, आपको मालूम ही है, तो उससे भी है। व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तित्व। शाहवाद काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। आगे अनुभूति की प्रतिष्ठा, अनुभूति की प्रतिष्ठा इसमें क्या है? शाहवाद कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। कविता को विचारों तथा तथ्यों से परे अनुभूति से निर्मित माना है। आगे वेदना की विवृति, तो वेदना की विवृति भी इसमें देखने को मिलती है। शाहवादी कवि या शाहवादी कविता वेदना से भरी हुई है पूरी की पूरी। यह वेदना पीड़ा की नहीं, पीड़ा नहीं देती, बल्कि काम में सुंदर है, ठीक है। महादेवी लिखती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरहे में चिर हूँ। प्रेम अनुभूति भी इसमें देखने को मिलती है, यह भी एक विशेषता है। सभी विशेषताएँ साथियों याद कर लीजिए। शाहवादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, जोगवादी नहीं। आगे साथियों सौंदर्य चेतना, शाहवादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात, विशाल है। इसमें उसमें मानव प्रकृति भावों के गहरे लोक समाहित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शाहवादी काव्य में प्रकृति का स्थान अनत्यम है, अन्यतम है, ठीक है। और शाहवादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती, रहस्यवाद रूप में विशद चित्रण उसमें हुआ है प्रकृति का। राष्ट्रीय स्वर भी इसमें देखने को जरूर मिला है, ठीक है। शाहवादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्द का निरंतर प्रयोग हुआ है। काव्य रूप, ठीक है, काव्य रूप जो हैं शाहवाद के, वो भी अगर देखा जाए तो गीत हैं, प्रगीत हैं, लंबी कविताएं हैं, महाकाव्य भी रचे गए हैं, ठीक है। और भाषा एवं शिल्प, तो आपको ऐसे समझा देते हैं, भाषा खड़ी बोली रही है, ठीक है, और जो खड़ी बोली है वो संस्कृत गर्भित रही है, संस्कृत से प्रभावित है, और अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और शिल्प ये भी आपको बता देते हैं, मुक्तक छंदों का बहुत प्रयोग हुआ है जो, ठीक है, मुक्तक छंद, छंद की पारिधि से मुक्त करवा दी गई कविता निराला जी के द्वारा, यह भी आभास है।
तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो जहाँ डिस्कस नहीं हुआ है, हालांकि प्रकृति चित्रण में आ गया वो, ठीक है, रहस्यवादी, एक अलग से पॉइंट हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। रहस्यवाद ये सबसे ज़्यादा था, मतलब अगर हम पंत की कविताएं देखें, निराला में रहस्यवाद सबसे अधिक है, और महादेवी वर्मा में तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि महादेवी वर्मा का रहस्यवाद सबसे उत्कृष्टतम है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रहस्यवाद क्या है, मतलब जिसके बारे में कविता लिखी गई वो पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में लिखी गई, मतलब जो बात वो बताना चाहते हैं वो अभी भी रहस्य है। तो इस तरह से साथियों ये रहस्यवाद होता है, जो कबीर की रचनाओं में भी है, कविताओं में है, दोहे में है, ठीक है। तो ये सब साथियों विशेषताएँ आपके सामने रखी, और ये जरूर याद कर लीजिएगा, शायवाद की बृहत्तरी, लघुत्तरी और कवि चतुष्टयं, ठीक है साथियों। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए, आगे इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे, जुड़े रहें चैनल के साथ, सुरक्षित रहें।